नमस्कार, बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। इस साल 119 हस्तियों को मिलेगा पद्म अवार्ड, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे सम्मानित। हरे निशान में खुलने के बाद शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 231 अंक टूटा। बीते 24 घंटे में देश में 11,451 नए मामले आए सामने, 266 मरीजों की हुई मौत। शहर में अचानक बढ़ गई ठंड, न्यूनतम तापमान में 2.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट। विलय की मांगों पर अड़े कर्मचारी, 100% बंद रहा नागपुर डिपो, नहीं चली एक भी एसटी बस। जरीपटका के दो बुकी गिरफ्तार, जूस सेंटर की आड़ में सट्टे की खयावली। मामूली विवाद में गई जान, जख्मी ने दोहरा दम, आरोपी जेल में, वाड़ी पुलिस थाना अंतर्गत का मामला। शहर को मिला एक और मल्टीप्लेक्स, सीने पॉलिश का हुआ शुभारंभ, शुरू हुए 5 स्क्रीन। स्वास्थ्य सेवाओं में हुआ अप्रत्याशित सुधार, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने कहा। हरे निशान में खुलने के बाद शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 231 अंक टूटा। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।